तो गाइस स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने के बाद मेरे मन में भाई बस एक ही वर्ड है, स्पेक्टेक्युलर। नहीं भाई, लिटरली मूवी हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है। इसका पहला पार्ट इनटू द स्पाइडरवर्स तो भाई वन ऑफ द बेस्ट CBM था, बट अक्रॉस द स्पाइडरवर्स भाई मिराक्युलसली उसे हर पॉसिबल वे में सरपास करती है। चाहे भाई इसके टॉप लेवल के एनिमेशन हो, विजुअल्स हो, वॉइस एक्टिंग हो या वर्ल्ड बिल्डिंग, भाई ये सब कुछ मिलके आपको 2 घंटे में एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे जो कि एक स्पाइडी फैन क्या ओवरऑल एक सुपर हीरो फैन को भी चांद पे पहुंचा देगा। और बात करें मूवी के स्टोरी की तो गाइस सिंपली ये समझ लो कि इनटू द स्पाइडरवर्स तो बस एक तालाब था, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में माइल्स के आगे एक पूरा समंदर पड़ा है। लाइक बेसिकली मूवी इनटू द स्पाइडरवर्स के बस कुछ ही समय बाद ही टेक प्लेस करती है। हम देखते हैं कि माइल्स अब एक प्रॉपर स्पाइडरमैन बन चुका है। अपने जवानी के जोश में उसे अब लगता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, बट इस मूवी में उसके आगे कुछ ऐसे चॉइसेस और थ्रेट्स आने वाले हैं जिससे वो क्या हम खुद अपने आइडियोलॉजीज पे सवाल करेंगे कि भाई ठीक क्या है और गलत क्या है। बट ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन अपने दिमाग की सुनता ही कहां है, सो ऑल थ्रू आउट द मूवी माइल्स अपने दिल की सुनेगा जिसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस उसे हर मोड पे फेस करने पड़ेंगे। और स्टोरी पे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि मैं कुछ एक्साइटमेंट में बोल दूंगा तो मेरा मल्टीवर्स उड़ जाएगा। बट हाँ, पूरे फिल्म में माइल्स के साथ सारे कैरेक्टर्स को भी एक प्रॉपर डेप्थ प्रोवाइड किया गया है। इनफैक्ट पहला हाफ आपको थोड़ा स्लो लग सकता है सारे इंट्रोडक्शंस और सेटअप्स के लिए, बट सेकंड हाफ में गाड़ी ऐसा पेस पकड़ती है कि भाई इनसेनली बवाल होता जाएगा हर मूवमेंट। लाइक एक फन टोन के साथ स्टार्ट तो होती है, बट जैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस करती जाती है इट ओनली गेट्स डार्कर एंड इंटेंस। मूवी के विलन द स्पॉट को ही लो ना, वो भाई डोरा द एक्सप्लोरर से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेवल पे कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट द बेस्ट थिंग जो मुझे द स्पॉट के बारे में बहुत पसंद आई, लाइक ना कि ये ओनली मूवी के मल्टीवर्सल फैक्टर को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है, बट ऑल्सो मूवी में इतने सारे स्पाइडरमैन होने के बावजूद भी ये ओवरशैडो नहीं होता। इनफैक्ट भाई सभी को अपने एब्सोल्यूट एजेस तक पुश करता है। देन भाई रियल मूवमेंट, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मेरी फेवरेट मल्टीवर्स मूवी तो बन ही चुकी है, बिकॉज सिंपली ये जिस ग्रैंड लेवल पे दिखाती है ना कि मल्टीवर्स में पॉसिबिलिटीज तो भाई एंडलेस है, बट इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस इतने ब्रूटल होंगे कि तुम्हारा ताऊजी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बट गाइस ऑल्सो इसके साथ साथ ये मेरे लिए ऑनेस्टली बेस्ट एवर स्पाइडरमैन मूवी भी बन चुकी है। लाइक ये एक बहुत ही पेनफुल येट ब्यूटीफुल वे में दिखाती है कि भाई स्पाइडरमैन बनना एक्चुअली में क्या होता है। लाइक नो वे होम ने जो चीज हमें दिखाई थी ना, तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स उस एग्जैक्ट फीलिंग को 100 times एम्पलीफाई करके दिखाती है। जस्ट लाइक कभी कभी ये स्पाइडरमैन होना, इसके पावर्स कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्स की तरह फील होते हैं। आप पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो, और मूवी में इस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को एक मल्टीवर्सल लेवल पे दिखाया गया है। सो गाइस इट हिट्स इवन हार्डर। और गाइस इवन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ऐसे मल्टीवर्स रिलेटेड कुछ चीजों को बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देती है, जो कि आगे जाके हमारे मार्वल और सोनी को अपने प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। देन गाइस जो सोचा था, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में अभी तक के स्पाइडरमैन लोर के बहुत से नॉट्स हैं। लाइक चाहे आप स्पाइडी के कॉमिक्स के फैन हो, एनिमेटेड सीरीज के फैन हो या मूवीज के फैन हो, आपको हर तरह के रेफरेंसेस देखने मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मूवी स्पाइडी फैंस का दिल जीत लेगी। लाइक पहले तो आप लिटरली सांस ही नहीं ले पाओगे, सेकेंड हाफ में स्टोरी इतना जल्दी प्रोग्रेस करेगी और इतना कुछ देखने मिलेगा। बट भाई इंटरेस्टिंगली मूवी के स्टार्ट टू एंड इतना कुछ होने के बावजूद भी मूवी एक ऐसे नोट पे एंड होगी ना, आपको लिटरली ये लगेगा कि भाई प्रोजेक्टर खराब हो गया क्या, बंद कैसे हो गया। मतलब कि मूवी का एंडिंग डेफिनेटली अनफिनिश्ड है, जो कि समझ में भी आता है। लाइक अक्रॉस द स्पाइडरवर्स सीधा फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट यानी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को सेटअप करती है। सो समझ लो कि इसका क्लिफहैंगर जितना इनसेन होगा ना, तो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स भी वैसे ही एक बिग बैंग के साथ स्टार्ट होगा। और मैं करेंटली यही सोच रहा हूँ कि ये लोग अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को कैसे टॉप करेंगे, बट ये जो भी करें मुझे इस टीम पे भरोसा है, ये हमें डेफिनेटली फिर से सरप्राइज करेंगे। सो हाँ गाइस, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को लेके मेरे तो यही थॉट्स थे, और ये सब सुनने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपको देखने जाना चाहिए या नहीं। भाई डेफिनेटली जाओ देखने, आज कल संडे को जब जाना है जाओ, लेकिन जाओ।
और ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दो यार। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।